फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि पेपर में हमको क्या क्या पढ़ना चाहिए, अब आपके पास ये समस्या उत्पन्न हो गई, हम तो पढ़ तो लेंगे लेकिन अब जैसे पेपर हॉल में जाते हैं और आपको पेपर मिलता है, आप बहुत सारा पढ़ के गए हैं और आप देखते हैं कि आपके मन में आता है कि अब हम इसमें क्या लिखें, आपका दिमाग वहाँ पर काम करना बंद हो जाता है। तो इस समस्या से बचने के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं स्टूडेंट, आप पहले से प्री प्लानिंग करके जाइए कि अगर इस टाइप से क्वेश्चन आएगा तो हमको क्या क्या लिखना है, क्योंकि पेपर जो होता है एक जंग की तरह है और जंग में हमेशा जो है हमेशा प्रिपरेशन करके ही जाया जाता है। अगर आप ये सोचोगे कि मैं जंग में जाऊंगा, वहाँ की स्थिति के अनुसार देख के लिखूंगा, तो आप गलत फहमी में हो, इसलिए हमको स्ट्रैटेजी बना के चलना चाहिए। तो आज का जो ये वीडियो होगा आपके लिए, आई होप, उम्मीद करूँगा कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। ये वीडियो जो रहेगा स्टूडेंट, आपको छोटे छोटे वीडियो के रूप में ही आपको मिलते रहेंगे। मानता हूँ कि अभी आपका एग्ज़ाम चल रहा है, स्टार्ट होने वाला है, तो आप सोचेंगे कि भाई कि अपना पढ़ने वीडियो देखने का समय ना हो, लेकिन आप कभी खाना खा कर उठ गए या पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा अपने को रेस्ट लेना है, तो उसमें आप ज़रूर ये वीडियो को देखिएगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिए, कमेंट जरूर करिएगा, आप कमेंट करने में बहुत कंजूसी करते हैं, ठीक है ना, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स और लाइक्स ही मुझे बताता है कि आप कितने इस वीडियो में रुचि ले रहे हैं। तो यह निर्धारित रहा, अगर आपका लाइक्स और कमेंट्स अच्छे रहे तो आपको ये हुई वीडियो आपको मिलते रहेंगे। और हाँ, जो नए हैं उनको क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको नए वीडियो जल्द ही प्राप्त हो सके। तो देखिए, मैं अगर आपको बात बताऊं स्टूडेंट, तो यहाँ पे आप अगर देख सकते हो तो ये आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन का जो एक पिटारा है, मैंने इसको इस तरीके से, मैं अगर इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दूं तो आप अगर देखोगे तो ये तो क्या लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा है, बेंथम एंड हुकर द्वारा दिए गए पुष्पी पौधों के वर्गीकरण का वर्णन कीजिए तथा इनके गुण दोष लिखिए, ठीक है। ये इसका पहला क्वेश्चन आ गया, ठीक, समझ आ रहा है ना, ये मतलब एक ऐसा क्वेश्चन है, बेंथम एंड हुकर के वर्गीकरण पद्धति की संक्षिप्त रूपरेखा एवं उनके गुण दोष का वर्णन कीजिए, प्राकृतिक वर्गीकरण से क्या अभिप्राय है, गुण एवं दोष का वर्गीकरण बताइए, बेंथम एंड हुकर के वर्गीकरण के गुण और दोष बताइए। तो देखो, बाजू में आपका एग्जाम का भी थ्रू दिया हुआ है, तो बेंथम हुकर का संक्षिप्त रूपरेखा, गुण दोष को लिखिए। तो इस टाइप के जब क्वेश्चन आते हैं तो फिर आप जो है बहुत सारा टॉपिक पढ़ लेते हैं, टॉपिक पढ़ लेते हैं बहुत सारा, तो फिर आपके मन में आता है कि हम अब क्या लिखें। तो इसी समस्या को दूर करने के लिए आज का ये वीडियो है। तो चलिए, हम इसको बोलते हैं स्टूडेंट एक तैयारी बोलते हैं, साइनोप्सिस के रूप में अपन देखते हैं। तो अगर हम इसकी एक रूपरेखा बनाते हैं, साइनोप्सिस मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं क्या, रूपरेखा, हिंदी में क्या बोलते हैं इसकी, रूपरेखा। अगर आप इस रूपरेखा के अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करते हो तो आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आपका मन एकदम, आपका जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो क्लियर रहेगा कि मुझे हाँ ये क्वेश्चन आएगा, मुझे ये टॉपिक लिखना है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं इसमें आपका क्या क्या टॉपिक्स आते हैं, क्या क्या टॉपिक कवर होगा। चलिए तो शुरू करते भाई, सबसे पहला देखो, सबसे पहला जो पॉइंट है वो है आपका क्या, इंट्रोडक्शन। सबसे पहला क्या है, इंट्रोडक्शन। तो आपको चाहे कोई भी टॉपिक हो, कोई भी टॉपिक हो, सबका इंट्रोडक्शन लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप कोई भी चीज़ के बारे में क्या होता है, आपको पहले बताना पड़ता है कि हम क्या चीज़ के बारे में हम लिख रहे हैं, क्योंकि बिना इंट्रोडक्शन के तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा भी नहीं और सामने वाला जब चेकर होंगे उनको भी समझ नहीं आएगा, इसलिए भाई इंट्रोडक्शन ज़रूरी है। एक एग्जांपल से अगर मैं आपको समझाएं स्टूडेंट, तो आप लोग पिक्चर के तो शौकीन होंगे ही, अगर नहीं भी होगा तो कभी कभार तो पिक्चर देखते होंगे, तो जब स्टार्ट होता है तो आप देखते हो कि उसमें पहला एक बैकग्राउंड बताया जाता है, क्या बताया जाता है, बैकग्राउंड, एक आवाज़ आती है, बोला जाता है कि ये नवाजगढ़ है, ये जो है अजमेर है, ये दिल्ली सल्तनत है, कोई भी हो, वहाँ एक राजा है, एक रानी है और एक क्या है, विलेन है, इस टाइप का क्या होता है, एक बैकग्राउंड तैयार किया जाता है, जिससे कि आपको क्या लगता है कि आपको जो है, आपको पिक्चर को जब देखते हो तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि हाँ ये वाला टॉपिक है, तो मतलब ऐसा से बात है, तो आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाता है, फिर पिक्चर आपको अच्छे से समझ आती है। तो सेम आपको क्या है कि आपको यहाँ पे समझना रहेगा कि जो आपका टॉपिक रहेगा उसका इंट्रोडक्शन लिखना रहेगा। तो बेंथम एंड हुकर का क्या करेंगे आप, इंट्रोडक्शन देंगे। तो इंट्रोडक्शन में आप क्या करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले इंट्रोडक्शन किसका देंगे, तो इंट्रोडक्शन जो है आप किसका देंगे, आप इसमें क्लासिफिकेशन के बारे में बताएंगे, किसके बारे में बताएंगे, क्लासिफिकेशन मतलब कि वर्गीकरण, वर्गीकरण की हमें क्यों आवश्यकता पड़ी, हमें वर्गीकरण क्यों करना चाहिए, इन सब के बारे में आपको बताना रहेगा, ठीक है ना। फिर दूसरा रहेगा आपका यहाँ पे टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन,
टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में आपको बताना रहेगा। तो टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में इसलिए स्टूडेंट क्योंकि इसमें आपको तीन तरह का देखना मिलता है। पहला होता है आपका क्या, आर्टिफिशियल, दूसरा क्या होता है आपका नेचुरल मतलब कि प्राकृतिक, और तीसरा क्या होता है आपका फाइलोजेनेटिक, ठीक है ना। तो इससे आपको ये चीज़ को बताना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कई बार पेपर में आ जाता है इस टाइप से क्वेश्चन। तो चलिए मैं ऐसे बोलूँगा तो आपको समझ नहीं आएगा, चलिए मैं आपको लाइव एक क्वेश्चन जो आए हुए हैं उससे आपको मैं बताता हूँ, तो जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो देखिए क्या बोला गया है कि यहाँ पे मैंने देखा गया था, देखो वर्गीकरण से आप क्या समझते हैं, एंगुलर पैरेंटल का वर्गीकरण समझाइए, ये लिखा हुआ है। ये देखो तीसरा नंबर क्या लिखा है, प्राकृतिक वर्गीकरण से क्या अभिप्राय है, आ गया क्वेश्चन। तो इस टाइप के ये देखो एक और क्वेश्चन देख सकते हो आप, जाति वृत्ति वर्गीकरण से आप क्या समझते, आया ना ऐसा क्वेश्चन, फिर आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि हमको क्या लिखना है। इसीलिए आपको ये कॉन्सेप्ट को बताना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फाइलोजेनेटिक, आर्टिफिशियल, देखो आर्टिफिशियल को क्या बोलते हैं हिंदी में, कृत्रिम, नेचुरल को क्या बोलते हैं, प्राकृतिक, और इसमें फाइलोजेनेटिक को क्या बोला जाता है, जाति वृत्ति, ठीक है। आपको इन तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा जरूर एक्सप्लेन करके जरूर बताना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि नेचुरल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत आपको याद रखना है कि इसके अंतर्गत आता है आपका बेंथम एंड हुकर, और फाइलोजेनेटिक के अंतर्गत आता है आपके कौन, एंगलर एंड प्रांटल, ओके। तो आपको ये टॉपिक को आपको बेसिक है, चाहे आपको कोई सा भी क्लासिफिकेशन आ जाए, कोई सा भी क्लासिफिकेशन आएगा यहाँ तक का आपका कॉमन रहेगा, क्या सिनॉप्सिस आपको यहाँ तक के लिखना है। अब इसका ये मतलब नहीं स्टूडेंट कि आपको आर्टिफिशियल एकदम बड़ा वाले, बस आपको बताना है कि क्या होता है आर्टिफिशियल और उसके कौन उसके साइंटिस्ट है, बस इतना ही बताना है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा टॉपिक चल रहा था बेंथम एंड हुकर, तो आपको अब फिर इसके बाद क्या जाना है, इसमें जंप कर जाना है आपको क्या, बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन। तो फिर आप लाइन से क्या करेंगे, बेंथम एंड हुकर के क्लासिफिकेशन के बारे में आप उसमें पूरा विस्तार से बताएंगे। तो जब आप बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन देखते हैं स्टूडेंट, तो आपको पता चलता है कि उन्होंने जो पुष्पी पौधों को दिया था तो तीन भागों में दिया था, एक था उसको तीन ग्रुप में बांटा गया था, एक मोनोकॉटलिडनी, जिम्नोस्पर्म और क्या है आपका डाइकॉटलिडनी, तीन भागों में बांटा गया। तो फिर आप इसको फिर से अगर आपको पढ़े होंगे तो आपको बिल्कुल याद आ रहा होगा, तो डाइकॉटलिडनी में फिर क्या है, इसके तीन अलग अलग क्या किया गया भाई, इसको सीरीज में बांटा गया है, थैलमी फ्लोरी, डिस्की फ्लोरी, कैल्सी फ्लोरी, ठीक है। तो ये सब आपको याद आ रहा होगा, मोनोकॉटलिडनी का अलग है। अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे क्या पूछा गया है, देखो बेंथम होकर के पुष्पी वर्गीकरण करते हुए इसके गुण दोष को लिखिए, तो वर्गीकरण को बोला गया है, तो वर्गीकरण मतलब आपको क्या करना है स्टूडेंट, इसके पूरे क्लासिफिकेशन को आपको थोड़ा थोड़ा करते हुए क्या करना है, आपको एक्सप्लेन करना है। मतलब क्या करना है, आपको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन करने का मतलब क्या हो रहा है स्टूडेंट, इसके अंतर्गत आप जब देखोगे तो इसके अंतर्गत आपको क्या मिलेंगे, आपको सीरीज मिलेंगे, सीरीज़ के बाद आपको क्या मिलेंगे, सीरीज़ में आपको क्या करना पड़ेगा, उसका ऑर्डर जरूर लिखेंगे और उसकी फैमिलीज़, क्योंकि इसमें ऑर्डर लिखना कंपलसरी ज़्यादा रहेगा कंपेयर टू फैमिली, फैमिली बहुत सारी है तो आप फैमिली जो है फैमिली की तुलना में ऑर्डर जरूर लिखेंगे, ठीक है। तो ये एक आपका आउटलाइन हो गया, सबको थोड़ा 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 करके आपको जरूर लिखना पड़ेगा कौन सा, बेंथम एंड हुकर। लेकिन कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट कि आपको ये बोल दिया जाता है कि बेंथम एंड हुकर के वर्गीकरण पद्धति की संक्षिप्त रूपरेखा एवं उनके गुण दोष का वर्णन कीजिए। तो संक्षिप्त रूपरेखा मतलब ये होता है कि जो आप लोगों ने एक फ्लो चार्ट पढ़ा होगा, जो मैंने आपको YouTube में भी पढ़ाया था तो याद आ रहा होगा, हमने एक फ्लो चार्ट बनाया था, सिर्फ उस यहाँ तक का फ्लो चार्ट को बताना रहेगा। अगर आपको ध्यान देना है कि प्रश्न में आपको क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चंस में ही फोकस रखना है कि क्या पूछा गया है। कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि आपसे पूछ दिया जाएगा कि बेंथम हुकर के गुण दोष संक्षिप्त, चलो इसमें तो नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि आपको बोल दिया जाएगा सिर्फ डाइकॉट को समझाइए, तो आपको जब डाइकॉट को बोला जाएगा तो सिर्फ आपको ये डाइकॉट के जितने भी हैं उनको एक्सप्लेन करना रहेगा, मोनोकॉट को बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर आपको मोनोकॉट बोला गया है तो आप डाइकॉट को नहीं बताएंगे। तो इसके लिए मैं आपको एक सबसे बेस्ट तरीका ये बताता हूँ कि आप जो है बेंथम हुकर का जो चार्ट है, रे डायग्राम है, जो हमने पढ़ा है, क्लासरूम में भी मैंने पढ़ाया है, यूट्यूब में भी मैंने पढ़ाया है, उसको आप अच्छे से याद कर लीजिए, तो उससे भी आपका काम बन जाएगा। एंड द सबसे लास्ट पॉइंट स्टूडेंट, सबसे लास्ट पॉइंट जो है आपको इसको तो आपको भूलना ही नहीं है, और वो लास्ट पॉइंट क्या रहेगा आपका, लास्ट पॉइंट रहेगा मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, मतलब गुण और दोष, गुण और
दोस्त स्टूडेंट, इसको आपको पढ़ना कंपलसरी है, मैं पहले ही बोल देता हूँ, क्योंकि ये आईएमपी है। कोई सा भी क्लासिफिकेशन आए, अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है तो भले ही आप गुण दोष जो है दो दो पॉइंट करके जरूर देंगे लिखेंगे, लेकिन लिखेंगे जरूर। और कई बार तो ऐसा हो जाता है कि ये शॉर्ट नोट्स में भी पूछ दिया जाता है, ठीक है। तो ये जो है आपका, अगर एंगलर प्रांटल का आएगा तो आपको ये भी कॉमन रहेगा, ये भी कॉमन रहेगा, ये बैंथम उकार से चेंज होकर क्या हो जाएगा आपका एंगलर प्रांटल आ जाएगा, और उसके बाद क्या होगा मेरिट्स एंड डिमेरिट्स उसमें भी लिखना पड़ेगा। तो आई होप कि अब आपको समझ आ गया होगा कि अगर अब आपके दिमाग में ये तो क्लिक हो गया होगा कि अगर क्लासिफिकेशन आता है तो अपने को इन इन पॉइंट को लेके क्या करना है, अपने को आगे बढ़ना है, ठीक है स्टूडेंट। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो जैसे मैंने कहा है कि वीडियो अच्छा लगे तो जितने लोग आप देखेंगे तो सभी को क्या करना रहेगा, लाइक करना रहेगा। और हम यहाँ पे अब एक टास्क लेके चलेंगे, क्योंकि आप लोगों को बिना टास्क के हम यहाँ टास्क लेके चलते हैं कि आप वीडियो देखते जरूर है नो डाउट, लेकिन आप लाइक कमेंट नहीं करते। तो हम यहाँ पे टारगेट रखते 50 लाइक। आपको अगला जो टॉपिक चाहिए रहेगा इसी पहला यूनिट का, फाइटोकेमिस्ट्री बायोनोमेनक्लेचर आपको चाहिए, तो 50 लाइक किया अगर होंगे तो आपको तुरंत आपको ये वीडियो मिल जाएगी। जो नए हैं वीडियो सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को गुड बाय।